पार्सल में कुछ मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था हुआ ही है, उसी वही पार्सल रिसीव हुआ है। मेरे नाम पे वगैरह पे सब कुछ ऑर्डर कर दे थी तो मैं रिसीव कर लेता हूँ, पेमेंट वगैरह भी कर देता हूँ। ये भी कुछ ऑफ़र का ही था तो उसने देख के ही कुछ ऑर्डर किया है, ऐसा ही कुछ है तो उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले मैं आपको उसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। तो इसकी मैंने पे किए हैं 311 रुपये, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ क्लियरली, सीओडी 311 रुपये है। और इसमें दो साइज से शॉर्ट्स पैंट है यहाँ पे डला है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टार के दो प्रिंटेड शॉर्ट्स हैं। तो इसको मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, कलर वगैरह दिखा देता हूँ, क्वालिटी वगैरह दिखा देता हूँ कि ये 311 रुपये में वर्थ इट है कि नहीं है, क्वालिटी वगैरह क्या है, सब कुछ इसकी डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कम वीडियो डले हुए, इसलिए मैं हर चीज़ के अनबॉक्स करके प्लस उसके बारे में डिटेल में बता के ही डालता हूँ कि ये अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो बिल्कुल सही तरीके से बाय कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो चलिए गाइस इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस इसमें ये कुछ दो शॉर्ट्स रिसीव हुए हैं, ये दोनों अलग अलग कलर के हैं, ये कुछ इस तरीके से। बेसिकली इसको निकालने में मेरे को ये लग रहा था कि ये जो रोड साइड में बिकते हैं ना बिल्कुल वैसे ही होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं, इनका क्लॉथ क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बेसिकली मैं इसकी आपको साइड में पिक लगा दूँगा, स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, उसमें थोड़े अलग दिख रहे थे एंड देन इसमें कुछ अलग ही इनकी डिज़ाइन वगैरह मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इसको निकाल लेते हैं एंड देन इसको इसकी प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ निकाल के दिखाते हैं, क्लॉथ क्वालिटी, रबर क्वालिटी, सब क्वालिटी दिखाता हूँ, इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं है। बेसिकली ये कुछ 155.5 रुपीज़ का पड़ रहा है एक शॉर्ट्स। तो चलिए इसको निकाल। तो गाइज ये कुछ इस तरीके के शॉर्ट्स हैं, ये लाइट ब्लू है एंड ये डार्क ब्लू, इस पर कुछ डियर यूथ कुछ ऐसा करके डला हुआ है, इस पर यहाँ पे स्टार वगैरह की इस पर मार्किंग वगैरह है। तो इसको कलर वगैरह काफ़ी सब कुछ अच्छा लगा है मेरे को। बट इसमें आपको मैं सब कुछ पहले बता देता हूँ, उसके बाद निगेटिव पॉइंट्स बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं इसके कलर वगैरह सब कुछ सही है, ये रबड़ क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसकी प्राइसिंग मेरे को पड़ी है 155.5 रुपीज़, यानी 55.5 रुपये का एक पैंट मेरे को पड़ा है। तो ये पीछे से मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये शॉर्ट्स कुछ इस तरीके का है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये लुक वाइज तो काफ़ी मतलब ठीक लग रहा है प्राइस के हिसाब से, लेकिन इसमें सबसे घटिया चीज़ है इसकी फैब्रिक क्वालिटी। इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है, आपको टच करने से मतलब देखने से इतना पता मतलब देखने से इतना पता नहीं चला होगा, आप इसको एक बार वाई करके देख सकते हैं, इसकी फैब्रिक क्वालिटी एकदम घटिया क्या बताऊँ, बहुत घटिया इसकी फैब्रिक क्वालिटी एंड देन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही घटिया है, सबसे ज़्यादा घटिया इसको मेरे को फैब्रिक क्वालिटी ही लगी। अगर इसका फैब्रिक बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी अच्छा इसका फैब्रिक होता तो मैं इसको ज़रूर सजेस्ट करता कि आप लोग वाई कर लीजिए, लेकिन इसकी फैब्रिक क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड देन इसमें जो स्ट्रैप डली हुई है, जो रबर डली हुई है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सबसे बेकार इसकी फैब्रिक क्वालिटी है। एंड देन सेम इसमें भी इसकी फैब्रिक क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्ट्रैप भी नहीं है, और ये वाला पैंट कुछ यूज़ किया हुआ लग रहा है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पुराना सा लग रहा है, जैसे किसी ने यूज़ करके वापस से रिटर्न किया हो, वही फ्लिपकार्ट ने मेरे को भेज दिया, मेरे को चिपका दिया है। तो ये पैंट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी, ये पैंट्स वर्थ इट नहीं है 311 रुपये में। ये पैंट्स 50-60 रुपये में आपको ऑफलाइन मार्केट से रोड साइड से आप बाय कर सकती हैं। ये पैंट काफ़ी ज़्यादा बेकार लगे मेरे को, शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेकार लगे, सबसे ज़्यादा बेकार लगी इसकी फैब्रिक क्वालिटी स्ट्रैप क्वालिटी ही मेन होती है शॉर्ट्स में, और ये मेन चीज़ ही इसमें बेकार है। एंड इसकी जो स्विच क्वालिटी है वो भी, इसमें जो सिलाई है वो 10 से 15 दिन में आपको ऑटोमेटिकली निकलने लगी, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार घटिया रद्दी माल है, पता नहीं क्या क्या भेजने लगे हैं आजकल फ्लिपकार्ट वाले। अगर आपको फिर भी इसको बाय करना हो तो फ्लिपकार्ट की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से आप इसको वाय कर सकते हैं। और आपको वाय नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको वाय मत कीजिए। बेसिकली आप लोग सभी चीज़ यूट्यूब पे सर्च करके ही वाय करते हैं, उसका रिव्यू भी देखते हैं, तो इसका रिव्यू मैं 5 में से इसको 1.5 देना चाहूँगा, क्योंकि ये प्राइस के मतलब ये लुक से थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रैप क्वालिटी, स्विच क्वालिटी एंड क्लॉथ क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार थी।
तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको वाई मत कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब, इस वीडियो कीजिए लाइक और घंटी का दीजिए ऑल पर प्रेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।